26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। जी हां, माकपा नेता सीताराम येचुरी ने आज अपनी अंतिम सांस ली, जो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। दरअसल माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के एक अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर के ये खबरें सामने आ रही थी कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, और इन तमाम चीज़ों के बीच आज यानी गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद सियासी जगत में शोक की लहर दौड़ गई। दरअसल अगर हम सीताराम येचुरी की बात करें तो सीताराम येचुरी वामपंथी राजनीति के देश में धुरी के तौर पर पिछले कुछ दशकों से लगातार बने हुए थे, और बिहार जो भारत के अलग अलग राज्यों में सीताराम येचुरी ने माकपा को विस्तार देने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अगर हम सीताराम येचुरी के शुरुआती जीवन और उनके राजनीतिक विस्तार की बात करें तो सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को चेन्नई में हुआ था। दरअसल तेलुगु भाषी परिवार से आने वाले सीताराम येचुरी, एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम सोमायजुल्ला येचुरी था, जो आंध्र प्रदेश में सड़क राज्य परिवहन निगम में इंजीनियर थे। वहीं उनकी मां कल्पम येचुरी एक सरकारी अधिकारी थी, और हैदराबाद में बड़े हुए तथा 10वीं कक्षा में हैदराबाद से ही पढ़ाई करने वाले सीताराम येचुरी ने बाद में अलग अलग जगहों पर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया, जिसमें वो दिल्ली में आकर के JNU में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की। बाद में JNU में रहने के दौरान ही आपातकाल जब देश में 1975 में लगा, तब उस दौरान सीताराम येचुरी की एक बड़ी पहचान बनी, जब छात्र नेता के तौर पर सीताराम येचुरी की गिरफ्तारी हुई थी, और उस दौरान सीताराम येचुरी की एक बड़ी पहचान स्थापित हुई। साथ ही साथ आगे आने वाले वर्षों में उन्होंने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए काम किया। बाद में उन्होंने केरल और पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी के सभापति के तौर पर अपनी अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ उन्होंने माकपा के लिए मौजूदा दौर में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अपनी अहम भूमिकाएं निभाई। इतना ही नहीं, उनका राज्यसभा के लिए कई बार निर्वाचन हुआ। साथ ही साथ वे अलग अलग समय में देश की राजनीति में वामपंथी राजनीति को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे। इतना ही नहीं, अगर आप याद करें सीताराम येचुरी को, तो पिछले वर्ष जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए इंडिया गठबंधन को जोड़ने की पहल की थी, तो उस दौरान सीताराम येचुरी पटना में भी आए थे और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला था। तो इन तमाम चीज़ों के बीच सीताराम येचुरी का अब निधन हो गया है, और सीताराम येचुरी जिन्होंने अपने करीब जो उनका 4.5 दशक का लंबा राजनीतिक जीवन रहा, इस लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने संसद के अलग अलग सदनों में अपनी अहम भूमिकाएं निभाई। इतना ही नहीं, केंद्र में और संसद में उन्होंने चाहे जब भी कम्युनिस्ट पार्टी का सत्ता को समर्थन में रहा हो या फिर सत्ता के विरोध के विपक्ष में रहे हो, उस दौरान संसद में अपने प्रभावशाली भाषणों और देश के आम लोगों की बात करने को लेकर के सीताराम येचुरी की एक विशिष्ट पहचान बनी थी। और उन तमाम चीज़ों के बीच सीताराम येचुरी जिन्होंने चेन्नई में पैदा हुए, हैदराबाद में पढ़े और उसके बाद दिल्ली में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अहम भूमिका निभाई और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, उनका आज निधन हो गया है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।